दोस्तों, आज हम फाइनेंस सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है लीबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी मेनली प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल, कॉरपोरेट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 10.4 करोड़ है। स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 6.62 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 10 रुपीज़ है और ये स्टॉक 79.9 के पी में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, लीबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंडिकेशन ऑफ लोन्स, कॉरपोरेट एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं इंडिया में। कंपनी ऑफर करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस, ECB, कॉरपोरेट लोन, वर्किंग कैपिटल, कॉमर्शियल पेपर, बायर सप्लायर क्रेडिट, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग, LC डिस्काउंटिंग, ये सब। साथ ही प्रोवाइड करते हैं बैंक गारंटी, लीज, हायर परचेज असिस्टेंस, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिजर्वेबल, लोन अगेंस्ट शेयर, म्यूचुअल फंड, यूनिट, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड सर्विस, ये सब कुछ। साथ ही कंपनी प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड होता है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें मोस्टली इंक्लूड होता है CDR, नॉन CDR मैकेनिज्म, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, इंडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, OTS विद बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड असिस्टेंस इन द सेल ऑफ एसेट कंपनीज, ये सब कुछ। दूसरी कंपनी 1994 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी के सेल्स 151.4 करोड़ से बढ़कर 203.1 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 143.4 करोड़ से बढ़कर 217.9 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का EPS 2.6 से बढ़कर 8.9 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 210.2 करोड़ से बढ़कर 964.8 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने 74.81% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 25.18% होल्ड किए शेयर्स। दोस्तों, ये कंपनी मेनली प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज फॉरेन एंटरप्राइजेस के लिए, जैसे इंडिया एंट्री स्ट्रेटजी, इंडियन लॉज प्रोसीजर, अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मार्केट सर्वे और इंडियन पार्टनर्स फॉर जॉइंट वेंचर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।